पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा भी कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसका असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। स्वच्छ पर्यावरण के उद्देश्य से ही महानगर के एक महिला सामाजिक सेवा संगठन द्वारा शनिवार को अयोध्या दास बालिका इंटर कॉलेज में पॉलीथीन के विरोध में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत महिला संगठन के सदस्यों ने कॉलेज की छात्राओं को पॉलीथीन के प्रयोग न करने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान महिला संगठन के सदस्यों ने पॉलीथीन के प्रयोग के हानियों को बताकर कॉलेज की छात्राओं को निःशुल्क कैरी बैग वितरित किया। इस मौके पर संगठन के सदस्यों ने छात्राओं को भविष्य में कभी पॉलीथीन के प्रयोग न करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या दास इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य प्रेमी यादव सहित संगठन महिला संगठन सदस्य मौजूद रहे। बस एक मैसेज पहुंचाने के लिए आप आए हैं कि आजकल पॉलीथीन का यूज मना किया गया है। आप देख रहे हैं उससे जानवरों को बहुत नुकसान था, हमारे पॉल्यूशन पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, सब पे बहुत ज्यादा असर कर हो रहा है। उसी में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि सारे विद्यालय के बच्चों को आपको एक एक हमारे ये कैरी बैग आपको दिया जाएगा, जो आप अपने घर में लेके जाओगे और ये मैसेज आपके आस पड़ोस फ्रेंड्स को, अपने मदर फादर सबको ये दोगे कि प्लीज मम्मी पॉलिथीन, डोंट यूज पॉलिथीन, यूज कैरी बैग, हमेशा कैरी बैग का इस्तेमाल करें। इसी उपलक्ष्य में बस हम लोग यहाँ से आए हैं। ये अभी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट, हमारी सारी महिलाएं जो भी हमारे ग्रुप की है उसको आपको इसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। और साथ ही साथ मैं आपके प्रिंसिपल मैम से ये अनुरोध करूंगी कि वो एक छोटा सा शपथ करवा दें, ठीक है, आपके थ्रू कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं उस शपथ के लिए? चंदन पीजा जितने भी एनसीसी कैडेट अपनी आप पड़ोस को जागरूक करेंगे।